सो गाइस, बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल अगर आपको दिल्ली में मिल जाए तो मजा आ जाएगा। और जहां पे आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिले बहुत ही चीपेस्ट प्राइस से, इवन मिडिल क्लास फैमिली वाले भी अगर उसे बजट में अफोर्ड कर सके, जो कि इतना प्यारा प्रोजेक्ट हो, दिल्ली की सबसे ज्यादा प्राइम लोकेशन पर, कीर्ति नगर में प्राइम लोकेशन पर, DDA से अप्रूव ट्रिपल पी मॉडल, यहाँ पे जबरदस्त चीज रहने वाली है। मेरे पीछे वॉक थ्रू भी देख सकते हो। आज मैं आपको ले आऊं रहेजा बिल्डर्स के ऑफिस पे, जो प्रोजेक्ट ये मान दिल्ली का सबसे बड़ा टावर गाइस लॉन्च होने वाला है, 42 फ्लोर्स का। हां जी गाइस, कुतुब मीनार से 2.5 गुना बड़ा टावर आने वाला है दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCR का सबसे बड़ा टावर प्लस दिल्ली NCR का सबसे बड़ा मॉल भी गाइस रहेगा। जबरदस्त चीज रहेगी, दुबई मॉल से यहाँ पे प्रेरित है और ये सारा पूरा मॉल रहेगा द दिल्ली मॉल, दिल्ली मॉल के नाम से गाइस रहने वाला है नियर। और गाइस प्राइम लोकेशन ऐसी है, कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन और शादीपुर मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल जिसे कहते हैं उतरते ही है। सारी चीजें मैं अभी आपको प्रोजेक्ट पर ले चलूंगा, ड्रोन शॉट्स भी आपको मैं सारी चीजें दिखाऊंगा, पूरा मैं आपको कवर करूंगा कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, अभी क्या किस लोकेशन तक पहुंच चुका है, मतलब अभी उसका कितना बिल्डअप हो चुका है, कितना भी टाइम लगेगा, पोजेशन कब है। तो गाइस यहाँ पे आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, सारी चीजें प्रॉपर रहने वाली है, लीला स्काई ग्लास के नाम से प्रोजेक्ट रहने वाला है, ठीक है ना। और नवीन मीनार वगैरह सारी चीजें हैं यहाँ पे, और बाकी आप चेक कर सकते हो, रहेजा ग्रुप के साथ ये एसोसिएटेड है प्लस DDA से भी अप्रूव्ड है। बिना किसी देरी के यहाँ के जो है, हम बात करते हैं किसी सेल्स RM से, जो भी हमारे को यहाँ पे गाइड करेंगे और हमारे को प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। जो कि यहाँ पे रहने वाले सेल्स रिलेशनशिप मैनेजर, तो भैया क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है, आप बताइए। एकदम फर्स्ट क्लास। तो यार ये इतने बड़ा, इतनी जबरदस्त चीजें रहने वाली है, और आज मैं भी एक्सपीरियंस सेंटर है, जब आप यहाँ पे विजिट करोगे तो आपको पूरी डिटेल्स दी जाएगी। सबसे पहले तो भैया बता दो, ये क्या तबाही चीज आ रही है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, क्या धमाका हो रखा है? बेसिकली इंडिया का पहला हम ऐसे कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट लाए हैं, दैट इज अ रेप्लिका ऑफ बुर्ज खलीफा एंड द दुबई मॉल। अच्छा, वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और सेकंड कॉन्सेप्ट है, अब तक किसी ने फर्स्ट मोर एडवांटेज नहीं लिया, वी एज अ रहेजा आर टेकिंग एडवांटेज फॉर द सेम। आई एम प्रोजेक्ट यूअर में, ठीक है, बाकी बातें प्रोजेक्ट पे, सीधा प्रोजेक्ट पे ले चलते हैं। गाइस आप यहां पे चेक कर सकते हो, ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है, ये देखो जबरदस्त प्रोजेक्ट है हमारे पास। भैया सबसे पहले तो ये बता दो कि मैंने बोला प्राइम लोकेशन है और न्यूज़पेपर में इतना बड़ा एड आया हुआ है, ठीक है ना, इतना बड़ा गाइस न्यूज़पेपर में ऐड आया है कि दिल्ली का सबसे बड़ा टावर बनने जा रहा है कीर्ति नगर में, तो मतलब क्या लोकेशन वगैरह कुछ समझा दो कि कैसे क्या सिस्टम रहने वाला है। लोकेशन हार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द वेस्ट दिल्ली बेसिकली, पटेल मार्ग रोड है हमारी, ऑन रोड प्रोजेक्ट है मेरा ये, अपोजिट DMS दैट इज दिल्ली मिल्स की, ओके, एज एवरीवन इज अवेयर ऑफ द सेम, ऑन रोड प्रोजेक्ट है। इफ आई टॉक अबाउट माय प्रोजेक्ट, विसिनिटी की बात करता हूं मैं, तो एरिया वाइज वी आर हैविंग शादीपुर ऑन द लेफ्ट एंड कीर्ति नगर ऑन द राइट, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है मेरा, ठीक है। बेसिकली 5.5 एकड़ का लैंड पैच है मेरा इन टोटल, दिल्ली का फर्स्ट मिक्स यूज लैंड प्रोजेक्ट है, ओके, वी आर हैविंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल ओवर द सेम लैंड पैच, ओके। जस्ट सो ये इसका क्या डायमेंशन वगैरह रहेगा, मतलब कितना बड़ा, कितने फ्लोर्स का टावर रहने वाला है हमारा? अगर मैं टावर की बात करूँ तो दिल्ली का टॉलेस्ट टावर रहेगी एज ए रेजिडेंशियल, दैट इज ग्राउंड प्लस 41। अगर मैं हाइट की बात करता हूँ तो हाइट इज 192 मीटर्स, यस, टू मतलब ढाई गुना कुतुब मीनार का, ढाई जी ऑलमोस्ट कुतुब मीनार मेरे यहाँ पे, ढाई गुना कुतुब मीनार के प्रोजेक्ट है। तो भैया एक बार ना सबसे बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड में, क्योंकि अभी हमें कमर्शियल स्पेस पे भी जाना है, एक बार इसकी USPs बता दो कि क्या रहने वाली है। बिल्कुल, वी टॉक अबाउट द रेजिडेंशियल टावर दैट इज द लीला स्काई विलास, ओके, जैसा आप नाम देख रहे होंगे लीला स्काई विलास, व्हाई लीला, मेरा हॉस्पिटैलिटी पार्टनर जो यहाँ पे है फॉर माय रेजिडेंशियल टावर दैट इज द लीला होटल्स, ओके, ऑल द मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस आर टेकन केयर ऑफ बाय लीला इटसेल्फ, ओके, ठीक है जी। सारी लैंड भी कौन सी है, एक वेले शेफ ऑन कॉल, हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री, सारी जो 5-star होटल में फैसिलिटीज होती है वी आर प्रोवाइडिंग ओवर द प्लेस, दीज आर बेसिकली 5-star ऊबर अपार्टमेंट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग।
Secondly, we'll talk about this view structure. These are all lab private pools. Private lab pools. ये सारे मेरे 4 BHKs में मिलेंगे आपको. Okay, जो ये सारे blue part है, ये सारे pools हैं, private pools. Pool. Oh, why, sir? We'll talk about the top floor. That is a helipad over the place. Okay, so 41st floor where we are having a helipad over the desk. Okay. उसके नीचे we are having an observatory deck. This one? Yes. ये सारा observatory deck है. Yes, that's an observatory deck. मतलब यहाँ से हमारे को दिल्ली का पूरा aerial view मिल पाएगा. पूरा aerial view मिलेगा. इस height से दिल्ली को अब तक किसी ने देखा ही नहीं है. We are the first to bring an observatory deck. Okay. ठीक है. The Leela Sky Villas. We are having a restaurant operated by Leela itself. On the 40th floor. ये दोनों side में ये क्या है? These are two open air restaurants. What I was mentioning earlier, Leela ही operate करेगा and manage करेगा. Open air restaurants. Yes. These are the highest open air restaurants. Approximately 185 meters or 190 meters? 190 meters. 190 meters? Meters wide. We are having an open air restaurant. Oh my god. These are two Zen gardens. If you notice, these are highest recreation activity area. This is on my 36th floor and on my 17th floor we are having. Okay. You would be having meditation centers, yoga centers, green area, all the same. Okay. So guys, aap dekh sakte ho. If I'll give you another USP of the project, we are having -3 level of the parking. -4, we have taken a first mover advantage in that. We have introducing India's second nuclear disaster control bunker. Okay. Yes, a shelter bunker basically. Like आजकल जैसे scenarios चल रहे हैं, Palestine पे चल रहा है या कोई चीज चल रहा है, वहाँ पे they are taking shelters in these bunkers only. We are the first project जो यहाँ पे अब तक इस चीज को लेके आ रहा है अपने project में. For -4 floor we are having a nuclear bunker. In case of any calamities, कुछ हो जाता है, कुछ wars हो जाती है, तो these 121 families, the number of apartments I'm having on the place, would be accommodated over the वहीं पर रहेंगे, safe रहेंगे, फूडिंग प्रोवाइड कराई जाएगी 40-45 days तक वहाँ पे survive करेंगे. अच्छा, तो मतलब उसकी भी पूरा इंतजाम है कि 40-45 days तक वो वहाँ पे आराम से survive कर सकते हैं. In case अगर कोई hypothetical situation में कोई calamity हो जाती है. And this area is my clubhouse area. You notice this area. Okay. We are having private cabanas, jacuzzis, sinking tank, fire pits, restaurant, bar over the place. This is also managed by Leela itself. Okay. यहाँ पे we would be having a banquet also. That would be accommodating 200 to 250 people. This is also for the residential only. Okay. If I talk about my sports facilities, gaming zones, we are having outdoors, indoors games, everything. So यहाँ पे सारा देख सकते हो, सारी मेरे ख्याल से sports की pitch वगैरह बनी हुई है. Name it and we are having all the project. Okay. ठीक है, तो इसके अलावा भी गाइस बहुत सारी USPs हैं. That is about my residential. Let's talk about my commercial project also. ठीक है, उधर की तरफ से आ रहा था. ठीक है ना, आप commercial guys आप cover कर सकते हो, check कर सकते हो, और इसके अलावा भी बहुत सारी USPs हैं कि मतलब hardly 20-30-40 meters पे आपको यहाँ पे कीर्ति नगर का मेट्रो स्टेशन है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, नियर द कमर्शियल स्पेस एंड रेसिडेंशियल स्पेस के पास हमारा शादीपुर मेट्रो स्टेशन रहेगा. वॉकिंग डिस्टेंस और आपने ड्रोन शॉट्स भी देखे होंगे कि मतलब कितना नियर बाय है. ठीक है ना, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से अपने कमर्शियल टावर्स पे आ जाते हैं. कमर्शियल से आने से पहले मैं एक चीज अपना लिंक देना चाहता हूँ, जो मेरे ऑब्जर्वेटरी डेक है एंड द रेस्टोरेंट आर एक्सेसिबल बाय विजिटर्स आल्सो. ओके, यस, बट रेजिडेंशियल्स के लिए एंड बिजनेस के लिए हमें सेपरेट लिफ्ट रखा है, सेपरेट वेज रखा है. रेजिडेंशियल्स के लिए वी आर हैविंग 4 लिफ्ट इन द फ्रंट साइड. फॉर ऑब्जर्वेटरी डेक एंड फॉर द विजिटर्स फैसिलिटीज वी आर ब्रिंगिंग एन कैप्सूल लिफ्ट ओवर द प्लेस. अगर आप ये नोटिस करेंगे, ओके, ये कैप्सूल लिफ्ट हमने प्रोवाइड कराई है विजिटर्स के लिए, जिससे मैं रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल आपस में मिक्स अप ना हो एंड उनको उस पे मतलब प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो रेजिडेंशियल. एग्जैक्टली एग्जैक्टली व्हाट आई वाज मेंशनिंग. लेट्स टॉक अबाउट माय कमर्शियल. ओके, एज द लीला स्काई विलास वाज द टॉलेस्ट रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर दिल्ली, दिस कमर्शियल मॉल स्ट्रक्चर इज माय टॉलेस्ट कमर्शियल मॉल स्ट्रक्चर इन दिल्ली एनसीआर. एंटायर दिल्ली एनसीआर में सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर आ रहा है ये, मतलब प्रॉपरली इंस्पायर्ड बाय दुबई मॉल. यस, जबरदस्त चीज. और मैंने सुना है कि इसमें ऐसे ऐसे ब्रांड्स आप ब्रिंग कर रहे हो जो शायद इंडिया में भी फर्स्ट टाइम होने वाले. yes. क्योंकि यहाँ पे BMW, ऑडी, वर्साचे सारे शोरूम्स खुल रहे हैं, सब चीजों में. और गाइज, मॉल सक्सेसफुल होने के काफी ज्यादा मेन रीजन होते हैं. फर्स्ट, उसमें एक सिनेमा होना चाहिए. सेकेंड, प्राइम लोकेशन होनी चाहिए. एंड थर्ड, उसके आसपास का एरिया कैसा है, क्योंकि ये सारा जो भी एरिया है, ये कीर्ति नगर शादीपुर में सारा पॉश एरिया है. यहाँ पे मतलब आपको हार्डली 200 मीटर के डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको वहाँ पे ऑडी के शोरूम, BMW के शोरूम, यहाँ पे जैगवार वगैरह, मतलब सारे शोरूम नियर बाय है. एंड प्लस प्रॉपर फर्नीचर की मार्केट, जो कि मतलब टोटल पॉश एरिया रहने वाला है. सो आप खुद सोच सकते हो कि अगर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न काफी ज्यादा हाई मिलने वाले हैं. एंड सेकेंडली, इसमें काफी ज्यादा अच्छा खासा स्ट्रक्चर दैट इज ग्राउंड प्लस 11.
tallest mall structure आ रहा है ground plus 11 floors का. अब तक पूरे दिल्ली NCR में इतना tallest mall नहीं है कोई. ओ भाई साहब. And even अगर footfall की बात करते हैं, जैसे कि आप कह रहे थे या हम लोग आसपास की vicinity की बात कर लेते हैं, we are having a very cashless area. That is पंजाबी बाग, पटेल नगर, रजौरी, कीर्ति नगर, मानसरोवर गार्डन, द्वारका भी बहुत नियर पटेल नगर, द्वारका, दिस ऑल एरियाज आर वेरी एक्सेसिबल. एंड इस एरिया के पास अगर मैं अपने सेंट्रलाइज एरिया से बात करूँ, within 6-7 kilometers के radius में we aren't having any commercial project over that. 6-7 kilometer में कोई नहीं है, कोई commercial project नहीं है. ओ भाई साहब, तो मतलब उनका जो भी सारा crowd है वो सब यहीं आने वाला है. तो ये तो एरिया की बात हुई. अगर मैं townships की बात करूँ तो we are having our own residential tower, that is Leela Sky Villas. पास में हमारे पास ताज आ रहा है, ताज का प्रोजेक्ट आ रहा है, कैलाशा डैटसन टाउनशिप रेजिडेंशियल. कीर्ति नगर का फ्लाई ओवर क्रॉस करते वी आर हैविंग द कैपिटल ग्रीन्स DLF. प्लस दे आर ब्रिंगिंग मिड टाउन. तो हमारे को जितनी इतनी ज्यादा इकोनॉमी है, इन सब के लिए कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट ही नहीं है. ये सब मेरे मॉल पे ही डिपेंड होंगे. एडवांटेज ऑफ द मॉल. इफ आई टॉक अबाउट माई स्ट्रक्चर, ग्राउंड टिल सेकंड, ग्राउंड से लेकर सेकंड फ्लोर तक वी आर हैविंग ऑल द रिटेल आउटलेट्स. ओके, जस्ट शोरूम वगैरह, जैसे ब्रांड शोरूम्स एंड प्राइवेट किसी को भी, इंटरनेशनल सेम इंटरनेशनल सारे ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स. ओके, तो थर्ड फ्लोर है मेरा टोटली डेडिकेटेड है मेरे फूड कोर्ट. ओके, प्लस किड्स प्लेइंग एरिया. ओके, फोर्थ फ्लोर जो आ रहा है मेरा टोटल डेडिकेटेड है मेरे सिनेमैटिक व्यूज के लिए. दैट इज वी आर ब्रिंगिंग आइनॉक्स. आइनॉक्स इज ऑन बोर्ड एंड वी आर हैविंग एन हाईएस्ट लीज साइन विद आइनॉक्स आल्सो. आइनॉक्स दैट टू इंसिग्निया. Okay. Premium brand. So it's already sold. Nine screening over the place. Nine screening. I know is coming to the place. Already on board. Already being sold. Yes. The fourth floor already sold. Yes. Pura. And leasing is done. Northeast Asia ki we are having the highest lease over the place. Okay. Pura entire Northeast Asia mein sabse mehengi lease sign hua hai hamare se. Okay. If I talk about my fifth floor, that is this very floor. Okay. The open space dekh rahe ho. That's my fifth floor. Fifth floor mein we are having open bars, breweries, pubs, restaurants, fine dines, outdoor, indoor settings. This is the concept. If you see this L-shaped extended structure, that is my 6 to 11 floors. Okay. यहाँ पे हम दिल्ली का first luxury gold souk लेके आ रहे हैं. दिल्ली में अब तक कहीं पर gold souk नहीं है. जो दुबई में gold souk market है. Yes. Because guys, आपको पता है मैं personally visit कर चुका हूँ दुबई में. gold souk market वो place है जहाँ पे gold का A to Z सारा सामान एक ही place पे आपको मिला था. तो वो दिल्ली के अंदर फ्लोर्स होंगे जो ज्वेलरी शॉप पर डेडिकेटेड होंगे. ओके, प्लस वी आर ब्रिंगिंग लग्जरी कार शोरूम्स आल्सो. दैट्स एन एडवांटेज ऑफ द थिंग. वी आर ब्रिंगिंग लग्जरी कार शोरूम्स आल्सो. दिल्ली में वी आर हैविंग एवरीथिंग. यहां पे हमने एक और फर्स्ट फ्लोर एडवांटेज लिया जो यूएसपी अवेलेबिलिटी. फॉर 6 टू 11 फ्लोर्स वी आर ब्रिंगिंग अ कार लिफ्ट प्रोविजन. बेसिकली कार लिफ्ट, ताकि गाड़ी ऊपर से नीचे तक. जिस वाली फ्लोर में आपको जाना होगा, यू वुड बी पार्किंग योर कार ओवर द प्लेस होगी. पूरी कार लिफ्ट होंगी, आपकी लिफ्ट से कार ऊपर जाएगी, उसी फ्लोर के आगे सब पार्क करोगे. वहीं से वही यू परचेसिंग व्हाटएवर यू वांट टू परचेस, यू सेट बैक टू योर कार एंड वे बैक टू योर. दैट इज सिक्योर, सेफ्टी एंड एफिशिएंट. लिफ्ट यूज करने की जरूरत ही नहीं है. नहीं, सिंपली आपको अपनी कार लेके आनी है. कार लिफ्ट किधर की तरफ होगा थोड़ा सा. 6 टू 11 फ्लोर के लिए रहेगा ये सेपरेट लिफ्ट रहेंगी. एंड -3 मेरे पास पार्किंग अलग रहेगा. सेपरेशन फॉर माय नॉर्मल. ओके, सो अगर किसी को फर्स्ट टू फिफ्थ फ्लोर में विजिट करना है तो वो बेसमेंट पार्किंग कर सकता है. लेकिन अगर किसी को 6 टू 11th फ्लोर में, जहाँ पे ये बनाया क्यों गया है मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड सोक मार्केट है एंड गोल्ड की सिक्योरिटी, मतलब अगर आप परचेज भी कर रहे हो तो उसकी भी पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है कि आपने कुछ परचेसिंग करी और एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली, कुछ परचेसिंग करी आप सीधा अपनी गाड़ी में बैठे एंड वे बैक टू होम. कहीं बीच में पार्किंग में नहीं जाना, कोई मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है. सीधा आपको अपने फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे आपको परचेसिंग करनी है उसी फ्लोर पे आपने पार्किंग करी एंड अपना काम करके सीधा घर. बिल्कुल, ये रहने वाला सिस्टम वही कॉन्सेप्ट रहेगा. जैसे आई वाज सेइंग रेप्लिका ऑफ दुबई मॉल एंड बुर्ज खलीफा. टिकटिंग जैसे वहां पे दुबई मॉल में होती है फॉर द बुर्ज खलीफा, सेम गोज फॉर द मॉल माय दिल्ली मॉल. टिकटिंग मेरे दिल्ली मॉल से ही होगी फॉर नवीन मीनार ऑब्जर्वेटरी डेक के लिए. ओके, यहां पे सिर्फ एक नैरो पैसेज होगा जो मेरे रेजिडेंशियल कमर्शियल को कंबाइन करेगा. ये वाला, यस, सिर्फ एक वुडन पैसेज होगा. दैट टू विद द सिक्योरिटी चेक. जिनके पास टिकटिंग होगी दैट वुड बी अलाउड फॉर द एक्सेस ऑफ द ऑब्जर्वेटरी डेक और द रेस्टोरेंट. ओके, और बाकी जो रेसिडेंशियल्स होंगे वो तो एंट्री एग्जिट सेपरेट रहेगी. ओके, वहां से जो है विजिटर्स अलाउड नहीं रहेगी. नहीं रहेगी. और यहाँ से आप चेक कर सकते हो पूरा बेसमेंट में जाने का, यहाँ पे रास्ता भी बनाया हुआ है. ठीक है ना, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पूरा बेसमेंट में जाएगा एंड प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी गार्ड रूम्स वगैरह चारों तरफ बने हुए हैं एंड सारा एरिया पॉश है.
बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट छोड़ना जा रहा है तो भैया, तो इसके बारे में अगर किसी को डिटेल चाहिए, क्योंकि हम सारी चीजें तो एक उसमें कवर नहीं कर सकते, स्कीम्स क्या क्या लेके आए हो, बेसिकली मेन बात ये कि कितने में क्या क्या दोगे। बिल्कुल, बहुत सही टॉपिक पे हैं आप। जो हमारे स्कीम्स हैं वो मार्केट में अब तक कहीं नहीं है, ठीक है। जो रिटर्न्स आ रहे हैं हमारे, सिक्योरेंस है, दैट इज नॉट इन द मार्केट, अब तक कोई भी बिल्डर फॉर्म ग्रुप नहीं दे पाए व्हाट वी आर गिविंग। एक बार पर कंफर्म कर लो कि क्या क्या है जो अब तक किसी ने सुनी भी ना और कोई दे ही ना पाया। बिल्कुल, दैट इज वी आर गिविंग एन अश्योर्ड रिटर्न फॉर 12% फॉर 2 years। ओके, साथ ही साथ 2 साल खत्म होते ही वी आर गिविंग 9% हिसाब से एज अ लीज गारंटी फॉर 4 years। थोड़ा सा इसे सरल भाषा में समझते हैं, सबसे पहले तो बताओ पोजीशन कब है दोनों पोजीशन। मेरे दोनों प्रोजेक्ट इज ऑन अगस्त 25 2025, पोजीशन फॉर बोथ ऑफ 1.5 साल में, मैक्सिमम 1.5 साल के अंदर आपको पोजीशन है। अब ये बताओ कि कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न्स कैसे कैसे है, क्या क्या रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बंदे वीडियो देख रहे हैं और मिडिल क्लास बंदों के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी निकल के आप लेके आए हो, तो उनके लिए क्या सिस्टम है एक बार थोड़ा सा बता दो, गाइड कर दो एक बार। भैया सारी बातें तो हो गई, यूएसपीज तो इतनी सारी कि मैं कवर करते करते और सुनते सुनते तक जाऊंगा, और बंदों के अंदर उछाल आ रहा है चुन मचके कि भाई अभी क्या चीज है, कितने रुपए में है और क्या कैसे परचेज कर सकते हैं, क्या टिकट साइज है, बेसिकली क्या कितने टिकट साइज है बंदा परचेज करता है, मिडिल क्लास ऑडियंस है मेजोरिटी, तो आप एक बार बता। हमने टिकट साइज कर दिया है अपने बुलेट के लिए, दैट इज 50 square feet। ओके, अफोर्डेबल फॉर एवरी सेगमेंट वी आर हैविंग। रिटर्न्स की बात करते हैं तो वी आर गिविंग 12% के हिसाब से अश्योर्ड रिटर्न फॉर 2 years। ओके, जबरदस्त, एंड लीज गारंटी फॉर 4 years, फर्दर 4 years। अच्छा, 6 years के लिए कि हमारे तरफ से रिटर्न आ रहे हैं 12% के हिसाब से 2 साल आ रहे हैं एंड 9% के हिसाब से 4 साल आ रहे हैं। लेकिन आपने मेरे को कहा था कि डबल रेंटल इनकम है तो, लेकिन ये तो सभी दे रहे हैं, तो आपका क्या है खास? हमारी स्कीम चल रही है इस समय, दैट इज डबल योर रेंटल इनकम। उसमें हम लोग लीज गारंटी भी दे रहे हैं 4 साल की, प्लस जो ब्रांड से एक्चुअल रेंट है वो भी क्लाइंट को ही दे रहे हैं। अच्छा, यस, मतलब लीज गारंटी आप दे रहे हो और जो ब्रांड से जो आपका स्टोर जो भी रेंट कर रहा है उसकी भी रेंटल इनकम डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ रही है। तो लीज गारंटी के साथ साथ में ले रहा हूँ, कोई बिल्डर का अभी साथ में नहीं देता है, वी आर गिविंग दैट लीज गारंटी। ये मेन पॉइंट है और ये नोट किया जाए इस पे गाइस, पूरे ध्यान से सुनना, एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। 6 साल तक यहाँ से आपको अश्योर्ड रिटर्न्स मिल रहे हैं फ्रॉम द बिल्डर, एंड जो ब्रांड से आपको रेंटल इनकम आ रही है वो भी आप ही की है, वो बिल्डर नहीं रखेगा, वो भी मतलब यानी कि दोनों पैसा आपको मिलेगा और जबरदस्त है। और इसमें कुछ अपफ्रंट वगैरह भी है, जैसा अगर कहना चाहे तो अपफ्रंट डिस्काउंट भी है। आप आइए प्लीज, दिस इज बहुत तेजी में चल रहा है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लीजिए, प्लीज आइए प्रोजेक्ट पे, एंड इट इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। बहुत चीजें हैं, मेरे जो रिटर्न भी हैं, यूनिट्स बहुत जल्दी बिक रही हैं, बहुत फास्ट बिक रही है, मार्केट इज वेरी अग्रेसिव राइट नाउ। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, जो मेरे दोनों रिटर्न्स हैं, दैट टू आर सिक्योर्ड बाय द बैंक। ओके, यस, कौन से बैंक से? बैंक भी दैट आर ए रेटेड बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई। तो मतलब आप डिटेल में अगर हम चलते रहे ना तो वीडियो बहुत देर हो जाएगी, आप प्लीज आइए विजिट करिए, ठीक है ना? तो फास्ट मार्केट चल रही है, प्लीज स्क्रीन पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ गाइस, आपको आना कैसा है, डिस्क्रिप्शन में फुल एड्रेस मैंने मेंशन कर रखा है, बाकी गूगल पे भी डाल सकते हो, द लीला स्काई विलेज या रहेजा प्रोजेक्ट डाल सकते हो, कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हो। कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन पर आप उतरोगे, वॉकिंग डिस्टेंस है हार्डली 100 meters का, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, देन आप अपने साइट के ऑफिस पे या सेल्स ऑफिस पे आप आके चेक कर सकते हो। बाकी अगर कोई दिल्ली के बाहर वीडियो देख रहा है जो विजिट नहीं करना चाहता, वॉक थ्रू वीडियोस वगैरह चाहिए, उसके लिए दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज वगैरह कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो, सारी चीजें मैंने मेंशन कर रखी है, देर मत करना, आ जाना, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मिस कर दोगे। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, प्राइस हम किसी रीजन की वजह से डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि डेली प्राइस आर इंक्रीजिंग, क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ रहा है, मार्केट की डिमांड बढ़ रही है, मार्केट डे बाय डे अग्रेसिव होती जा रही है। तो जल्दी से आओ, अपना जो भी आपको चाहिए, चाहे आपको रेसिडेंशियल कमर्शियल जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप बताओ, यहाँ पे आपको श्रेष्ठ भैया का नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगा, पूरा आपको गाइड करेंगे, पूरा हेल्प आउट करेंगे। इसी चीज के साथ इस वीडियो को गाइस यहीं पे एंड करेंगे। इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट, इट्स अ लैंडमार्क जो दिल्ली में, ठीक है, प्लीज। तो मतलब ये ठीक है ना, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इस पर धन्यवाद भैया बहुत बहुत इस प्रोजेक्ट को कवर करवाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन के साथ।